तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड एंड काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं 35,000 रुपीस के अंदर फुल सेटअप गेमिंग पीसी बिल्ड करने वाला, जिसके अंदर आपको पीसी के साथ साथ एक मॉनिटर भी इंक्लूडेड रहने वाला है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड एंड काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली, तो एंडिंग वीडियो के अंदर बनी रहेगा। एंड गाइस अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। तो गाइस बात कर लेते हैं हमारे पीसी के स्पेक्स के बारे में। तो पहले बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर के लिए हम यूज करेंगे इंटेल का कोर i5-10400F। इस प्रोसेसर के बारे में बताऊं तो गाइस इसके अंदर आपको 6 कोर एंड 12 थ्रेड देखने को मिल जाएंगे, 2.9 गीगाहर्ट्ज़ की बेस क्लॉक एंड 4.3 गीगाहर्ट्ज़ तक की बूस्ट क्लॉक देखने को मिल जाएगी। एंड गाइस इस प्रोसेसर के अंदर 65W की TDP एंड LGA1200 सॉकेट को सपोर्ट करता है। एंड गाइस मैं इस प्रोसेसर के बारे में बताऊं तो इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताऊं, इसके अंदर आपको गेमिंग करनी हो, वीडियो एडिटिंग करनी हो या फिर स्ट्रीमिंग करनी हो तो वो आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप इसके साथ एक डेडिकेटेड अच्छा सा ग्राफिक कार्ड पेयर कर दें तो ये प्रोसेसर आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस तक भी निकाल के दे सकता है। अब बात करें हमारे सेकंड कंपोनेंट के बारे में, जो क्या है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के लिए हम यूज करेंगे MSI का S410 मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड के बारे में बताऊं तो गाइस ये जो मदरबोर्ड आता है ना LGA1200 सॉकेट के साथ आता है, जो कि अपना प्रोसेसर भी LGA1200 सॉकेट के साथ आता है, तो ये मदरबोर्ड आराम से सपोर्ट कर लेगा। बात करें हमारे मदरबोर्ड के बारे में तो गाइस इस मदरबोर्ड के अंदर आपको दो रैम स्लॉट देखने को मिल जाएंगे एंड इसके अंदर आपको एक HDMI और एक VGA पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। काफी बढ़िया मदरबोर्ड है, प्राइस के हिसाब से काफी बढ़िया मदरबोर्ड है, 5,000-5,500 रुपीज में आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। बात करें हमारे थर्ड कंपोनेंट के बारे में, जो क्या था रैम। रैम के लिए यूज करेंगे क्रिस्टल की तरफ से आने वाली 8GB की सिंगल स्पीकर, जो कि 2666 मेगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक है। एंड गाइस इसके अंदर जो 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम आती है ना, वो लगा के कोई भी फायदा नहीं है। तो गाइस बहुत सारे लोग जो कि कमेंट करते हैं कि भाई 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम क्यों नहीं लगाई। एंड गाइस मैंने आपको प्रोसेसर का रिव्यू करते हुए भी बताया था, गाइस ये 2666 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम को ही सपोर्ट करता है। अगर मान लीजिए आप इसके साथ 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम लगा पेयर भी कर देते हैं ना, तो गाइस अपने आप डाउन क्लॉक करके चलाएगा उस रैम को 2666 मेगाहर्ट्ज़ पर करके चलाएगा, तो पैसा फालतू का लगाने से कोई फायदा नहीं है। हमें पैसा बचाते बचाते एक अच्छा सा पीसी बिल्ड कर लेना है। बात करें हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में, जो कि आता है गाइस स्टोरेज। स्टोरेज के लिए हम इसमें SSD का यूज करेंगे, कोई भी हार्ड ड्राइव वगैरह का यूज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि गाइस हार्ड ड्राइव एक SSD को मुकाबले बहुत स्लो परफॉर्मेंस देती है एंड 35,000 रुपीज आप एक पीसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको स्लो परफॉर्मेंस मिले तो गाइस कोई मतलब नहीं बनता। तो इसके अंदर आप यूज करेंगे 240GB की SSD का, जो कि आती है क्रिस्टल की तरफ से 240GB की एक SATA बेस SSD। एंड ये हार्ड ड्राइव के मुकाबले आपको काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देगी। एंड प्राइस के बारे में बात करें तो 2500 रुपीज की आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मार्केट में देखने को मिल जाएगी। बात करें हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में, जो क्या आता है गाइस ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड के लिए इसमें यूज करेंगे कलरफुल का GT730, जो कि गाइस एक काफी बढ़िया ग्राफिक कार्ड, काफी बढ़िया तो नहीं है लेकिन प्राइस के हिसाब से काफी बढ़िया मतलब क्वालिटी आपको ऑफर कर देगा। अब काफी बढ़िया मैंने बोल दिया तो वो दोनों मैच नहीं करता है इस ग्राफिक कार्ड के साथ। ये ग्राफिक कार्ड गाइस आपको 5000 रुपीज के अंदर आपको आराम से देखने को मिल जाएगा एंड ये इसके अंदर आपको 2GB की VRAM देखने को मिल जाएगी। इसके ग्राफिक कार्ड के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो गाइस इसके अंदर आप 720p टू 1080p की गेमिंग कर सकते हैं। 1080p मतलब मैं हर गेम की नहीं कह रहा हूँ, ज्यादातर गेम आप इसके अंदर 720p में खेल सकते हैं। एंड ये गाइस बहुत मतलब आपको पता है कि पीसी के जो मतलब ग्राफिक कार्ड के जो प्राइस है वो मतलब आसमान छू रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं प्राइस, मतलब डाउन आए हैं लेकिन उतना डाउन नहीं आए हैं, फिर भी प्राइस बहुत ज्यादा है ग्राफिक कार्ड की। तो प्राइस के हिसाब से गाइस जिस हिसाब से अपना बजट था उस हिसाब से ये जो ग्राफिक कार्ड है ये अपने पीसी के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। एंड ये जो आपको परफॉर्मेंस देगा ना, इसके अंदर आपको गेमिंग करनी हो, एडिटिंग करनी हो, ये सारे काम आपका ये पीसी करवा देने वाला है। एंड ये जो ग्राफिक कार्ड है ना, ये प्राइस के हिसाब से काफी बढ़िया क्वालिटी ऊपर कर देने वाला है। एंड गाइस बात करें हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में, जो कि आता है पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई के लिए यूज करेंगे एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला एंटी स्पोर्ट्स का VS500L। ये काफी बढ़िया पावर सप्लाई है, इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो 1800-2000 के अंदर आपको आराम से देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मार्केट में। एंड गाइस 500 वोल्ट का पावर सप्लाई है, अपने पीसी को चलाने के लिए बिल्कुल सफिशियंट पावर सप्लाई है, इससे ज्यादा अपने पीसी को रिक्वायरमेंट नहीं है एक पावर सप्लाई की। 500 वोल्ट आपके लिए मोर द इनफ रहने वाला है इस पीसी बिल्ड के लिए। बात करें हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में, जो क्या था कैबिनेट। कैबिनेट के लिए गाइस आप मतलब 35,000 रुपीज अगर आप एक पे कर रहे हैं पीसी के लिए, उसके लिए आपको लुक तो मैटर करता ही है। तो गाइस हमने कैबिनेट जो चूज किया वो भी काफी बढ़िया कैबिनेट है, जो कि सबका फेवरेट है, बहुत ज्यादा फेमस कैबिनेट है, जो क्या था एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से एंटी स्पोर्ट्स का IS200G गेमिंग कैबिनेट। इस गेमिंग कैबिनेट के अंदर आपको फ्रंट में एक LED
आरजीबी स्ट्रिप देखने को मिल जाएगी, आरजीबी स्ट्रिप देखने को मिल जाएगी, बैक में आपको एक आरजीबी फैन, साइड में आपको एक टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिल जाएगा जो कि आपको पूरी पूरी गेमिंग की फील देने वाला है। तो गाइस बात करें हमारे लास्ट कंपोनेंट के बारे में जो कि आता है मॉनिटर। मॉनिटर के लिए हम यूज करेंगे एलजी का 19 इंच का मॉनिटर जो कि गाइस आपको अमेज़न या फिर ऑफलाइन मार्केट में आपको आराम से 5000 रुपीस के अंदर देखने को मिल जाने वाला है। काफी बढ़िया मॉनिटर है, 5000 रुपीस के अंदर आपको मिल रहा है। क्या स्पेक्स ऑफर करता है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आपको TN पैनल देखने को मिल जाता है एंड इसके अंदर आपको एक HDMI एक वीडियो पोर्ट देखने को मिल जाता है। 60Hz का रिफ्रेश रेट एंड 90° का व्यूइंग एंगल के साथ आपको देखने को मिल जाता है। प्राइस के हिसाब से काफी बढ़िया मॉनिटर है, टोटली अपना PC तैयार हो चुका है, फुल सेटअप आपका तैयार हो चुका है। इसकी कॉस्ट के बारे में बात करें तो 35,000 रुपीस के अंदर आपको आराम से पड़ जाने वाला है। एंड गाइस इस PC के परफॉर्मेंस के बारे में बताऊं तो गाइस इसके अंदर आपको 720p टू 1080p तक की गेमिंग करनी हो या फिर 1080p पे आपको हल्की फुल की वीडियो एडिटिंग करनी हो तो वो भी हल्की फुल की नहीं, अगर काफी अच्छी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं इस PC के अंदर। एंड ये टोटली अपना PC तैयार हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।